आप सबको पता है रुको ठीक आप सबको पता है कि डीपी जारोली बर्खास्त हो गए और बर्खास्त होने के बाद उन्होंने एक बयान जारी किया जो आप लोगों ने भी चलाया था कि राजनीतिक संरक्षण में रीट पेपर लीक हुआ है, इसकी तह में जाना जरूरी है सरकार को, एसओजी को। और एसओजी ये नहीं कर पाएगी, और जब बोर्ड का अध्यक्ष जो बर्खास्त हुआ है ये कह रहा है कि राजनीतिक संरक्षण है, तो स्वतः ही जांच सीबीआई को चली जानी चाहिए। तो राजनीतिक रसूखात की दृष्टि से कौन कहाँ फिक्स है, मैंने आपको बुलाया है। आपको ये जानकारी में तो आ ही गया होगा कि डॉक्टर प्रदीप पारासर की धर्मपत्नी को सिंडिकेट का माननीय सदस्य नामित किया है। राजस्थान में राजीव गांधी स्टडी सर्किल का गठन किया हुआ है जो कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करता है, जिसके चेयरपर्सन राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत हैं। और डॉक्टर सुभाष गर्ग राजीव गांधी स्टडी सर्कल के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और गहलोत साहब ने उनको मंत्री बना रखा है। कांग्रेस का ये संस्थान को फंडिंग ये जमीनी स्तर पर कांग्रेस का मजबूत करता है। ये कांग्रेस का एक संस्थान है, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके कागज मैं आपको दूंगा, उससे कनेक्टेड है। और इस कोऑर्डिनेटर को इस संस्थान को गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस जो राजस्थान में, जिसके मैं चेयरमैन का भी अभी नाम बताऊंगा, की तरफ से सहायता दी जाती है। अब कांग्रेस का एक संगठन और राजस्थान की सरकार का पैसा, राजस्थान की जनता का पैसा से वो चल रहा है। इसको सरकार ने इसी वर्ष, अरे भाई बात मत करो, कोई और पराया आदमी तो नहीं है मीडिया के अलावा, क्या बात है। राजस्थान सरकार ने गांधीयन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस गुड गवर्नेंस के लिए इस वर्ष 100 करोड़ रुपए आवंटित किए, न तो उसकी कोई इस इंस्टीट्यूट की अधिसूचना जारी हुई, न ही कोई अध्यादेश लाया गया, न ही कोई एक्ट में प्रावधान किया गया, और एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से, मात्र एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से 100 करोड़ रुपए गहलोत साहब ने इस गांधीयन इंस्टीट्यूट को दे दिया जो गांधी विचारधारा को आगे बढ़ाता है। भाई इनको कम कराओ ना यार, थोड़ी देर रुक जाएंगे, उनको कम करो। गांधी विचारधारा को आगे बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गांधी जी की विचारधारा की ओट में कांग्रेस को राजस्थान में मजबूत किया जाना और उसके लिए 100 करोड़ रुपए दे देना, जिसका कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, ना एक्ट में प्रावधान किया गया, ना विधानसभा में बिल लाया गया, इसमें मुझे आपत्ति है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश से 100 करोड़ रुपए दे दिए,
और राजीव गांधी स्टडी सर्कल की हर एक्टिविटी का खर्चा ये जो गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और गुड गवर्नेंस है उसके चेयरमैन द्वारा दिया जाता है। इसमें कांग्रेस से जुड़े हुए प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर प्रशिक्षण प्रदान करते हैं जो कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। इस घालमेल में एक करोड़ों का घालमेल हुआ है और इसको अंजाम दिया है सुभाष गर्ग ने, जो मंत्री जी हैं गहलोत सरकार में। और ये गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस के मुखिया हैं डॉक्टर बी एम शर्मा। और इस जो गांधी की हो चाहे केंद्र सरकार की कोई योजना हो या कोई सरकारों की जो डेवलपमेंट का मामला है उसको आगे बढ़ाने की दृष्टि से राजस्थान में एक आईडीएस बना हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज, वो धूल चाट रहा है। बिल्डिंग भी है, वहीं काम चलता था, लेकिन उसको हटा के ये इंस्टीट्यूट अलग बना दिया। और ये जो परीक्षाएं रीट की हुई हैं इसमें अधिकतर जो कोऑर्डिनेटर हैं और पर्यवेक्षक हैं वो माननीय सुभाष गर्ग जो गहलोत सरकार में मंत्री हैं उनके कहने से लगाए हैं, जो इस राजीव गांधी स्टडी सर्किल के कोऑर्डिनेटर हैं और गहलोत साहब इसके संरक्षक हैं। एक आदेश मैं आपको दूंगा, इसका व्हाट्सएप ले लेना, गिनाने में टाइम लगेगा। इसमें माननीय गहलोत साहब की अप्रूवल से कुछ पदाधिकारी बनाए गए हैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल में, RGSC। ये ऑफिस ऑर्डर है जिसमें स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं 3। उन 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर्स में से एक स्टेट कोऑर्डिनेटर ध्यान सिंह गोठवाल जो जयपुर का है उसको रीट की परीक्षा में लगाया गया। रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं इस संस्था के, जिसके संरक्षक चेयरपर्सन माननीय अशोक गहलोत है, 7। उस 7 में से 5 को रीट परीक्षा में लगाया गया, जिसमें डॉक्टर सुनीता प्रधान डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अजमेर लगाई गई, डॉक्टर प्रदीप पारासर जयपुर का लगाया गया, डॉक्टर एनके वास्को बीकानेर का लगाया गया, डॉक्टर देवेंद्र परमार को धौलपुर का लगाया गया, डॉक्टर जैनाराम नागोरा को जोधपुर का लगाया गया। मेरा कहने का मतलब ये, जो सारे भी कोऑर्डिनेटर जितने भी लगे हैं ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के, जिसका सारा संचालन माननीय सुभाष गर्ग करते हैं, उनके द्वारा लगाए गए हैं और ये जारोली से मिलके लगाए गए हैं। ये मैं आपकी जानकारी के, कुछ ऐसे कोऑर्डिनेटर भी लगा दिए गए जो महाविद्यालय के प्राचार्यों के ऊपर थे, उनसे जूनियर थे, उनकी भी लिस्ट मैं आपको दूंगा। और गड़बड़ी क्या हुई है वो भी मैं थोड़ी से सब ये मैं लेकर आया हूँ, इतने सारे सेंटरों की लिस्ट है जो इन्होंने परीक्षा के केंद्र खोले थे। जैसे थोड़ा 5 मिनट आपकी ज़्यादा लगेगी। इसमें गड़बड़ी नंबर 1, परीक्षा केंद्र में वही कार्यरत शिक्षकों को ऑब्जर्वर बना दिया। इसमें सेंटर का क्रमांक है, क्रमांक 83 और 84 पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय में ऑब्जर्वर वहीं के शिक्षक लगा दिए, जबकि ऑब्जर्वर परीक्षा केंद्र से दूसरे संस्थान का वरिष्ठ कर्मचारी अधिकारी होता है। गड़बड़ी नंबर 2, को कोऑर्डिनेटर द्वारा स्वयं के सगे रिश्तेदारों के कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बना दिया। राजीव गांधी स्टडी सर्कल के संभाग समन्वयक डॉक्टर सुभाष गर्ग की निकट परिचित भूगोल की सहाचार्य सुनीता पचौरी को अजमेर जिले का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। उन्होंने स्वयं के घर की संस्था क्रमांक 106
सुनीता आईटीआई को परीक्षा केंद्र बना दिया। गड़बड़ी नंबर 3, अपने सगे रिश्तेदारों के कॉलेज में प्रेक्षक नियुक्त कर दिया। क्रमांक 110 इसमें है, टाक शिक्षा निकेतन टीटी कॉलेज में डॉक्टर राकेश टाक को ऑब्जर्वर बनाया गया, जबकि ये कॉलेज उनकी बेटी की है। तो ये सब मिलकर खेल किया है, गहलोत साहब संरक्षक और सुभाष गर्ग कोऑर्डिनेटर नेशनल। अब ये कह रहे हैं लेवल द्वितीय में पेपर लीक नहीं हुआ, तो लेवल द्वितीय का पेपर लीक हुआ है क्रमांक 83 पर, 84 पर, 106 पर, 110 पर, 109 पर, इसके कागज मेरे पास है। अब एक पुराना मामला है, वर्ष 2012 में टेट की परीक्षा हुई थी, मीडिया की जानकारी में स्टेट कोऑर्डिनेटर उसके प्रदीप पारासर थे और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष सुभाष गर्ग थे। इन्होंने दोनों ने मिलके उसी फर्म को काम दिया जो अब के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जारोली ने दिया है, कलकत्ता की फर्म, कलकत्ता की फर्म को दिया। तो एक बड़े अधिकारी सीएमओ के और सुभाष गर्ग ने मिलकर जारोली को यह दबाव बनाया कि उसी प्रिंटिंग प्रेस को पेपर प्रेस प्रिंटिंग करने के लिए दो जिसको मैंने दिया था। तो यहाँ परीक्षा की गोपनीयता भंग हुई है ना। तो परीक्षा की गोपनीयता भंग करने में गर्ग साहब का हाथ है। उस समय जो गड़बड़ हुआ था परीक्षा में, टेट की परीक्षा में, तो उसकी शिकायत हुई थी, जांच हुई थी, करीबन 84 करोड़ का गबन का दोषी पाया गया था सुभाष गर्ग को। लेकिन दुर्भाग्य मेरी सरकार में भी वो प्रकरण दब गया और अब दबा हुआ है ही, तो उस प्रकरण को निकाला जाए और सुभाष गर्ग को बर्खास्त करके गहलोत साहब उस प्रकरण की जांच करें और इनकी संलिप्तता इस रीट पेपर में भी है, इनको बर्खास्त करके एसओजी को परमिशन दें ताकि इनसे पूछताछ किया जाए, क्योंकि सारा परीक्षा का पेपर इस बार भी सुभाष गर्ग के मार्गदर्शन में योजनाबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लीक हुआ है। अब ये ताज्जुब की बात है कि आरएलडी का एकमात्र माननीय सदस्य विधायक है और वो मंत्री है, मुख्यमंत्री की घनिष्ठता के कारण, और वो सारे पेपर लीक करवा रहा, यही नहीं करवा रहा, इनका पास पैरामेडिकल डिपार्टमेंट है। तो डॉक्टर सुभाष गर्ग के अधीन जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज की परीक्षा हुई हैं उन सभी का काम भी डॉक्टर प्रदीप पारासर के माध्यम से हुआ है, जिसमें भारी लूट खसोट हुई है पैरामेडिकल के प्रवेश में, जो एक जांच का विषय है। अच्छा, मेरी मांग है कि सुभाष गर्ग के कार्यकाल में पैरामेडिकल कोर्सेज में प्रवेश हेतु ली गई लंबी पूरी राशियों का जो घोटाला गबन हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। अब एक जबरदस्त बात है, पेपर लीक के अलावा पेपर कैसे और लोगों के पास गया है, प्रिंटेड नहीं गया, दूसरी तरह से गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पेपर सेटिंग के लिए राजस्थान के एक बहुत बड़े नेता ने, जिसका मैं नाम अभी नहीं बताऊंगा, आप शायद समझ भी जाओगे, बोर्ड के अध्यक्ष को 2000 प्रश्न बना के दिए और ये कहा कि सवाल 75 करने, 100 करने, 90 करने, 200 करने, वो इन 2000 में से करने प्रश्न पत्र में, उसी हिसाब से प्रश्न पत्र उन्होंने बना दिया। लेकिन इन्होंने जो ये 2000 प्रश्न पत्र दिए, ये सीकर में 10-10 लाख लेके 2500 अभ्यर्थियों को बांट दिए, उनसे पैसे इकट्ठे हो गए। अब सरकार अगर दोबारा परीक्षा कराती है तो ये सारे सड़क पर उतर आएंगे और नेताजी से पैसे मांगेंगे और राज्य भर में जो कांग्रेस के संगठन के इन नेताओं ने स्टडी सर्किट के में जो नाम बता रहा हूँ जो उन्होंने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं, राज्य भर में वो लोग जो पास हो गए हैं पैसे देकर परीक्षा में, वो सड़क पर उतर आएंगे तो सरकार के सामने दुविधा पैदा करे हो जाएगी, वो पैसे मांगेंगे। तो सरकार इस बदनामी से बचने के लिए ये पेपर
निरस्त नहीं करना चाहती, जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है और जो मेरी एक सूचना है। आज गांधी निर्वाण दिवस मना रहे गहलोत साहब, अभी चल रहा है शायद कार्यक्रम, और उस गांधी निर्वाण दिवस में मेरे से ले लेना आप, राजीव गांधी स्टडी सर्कल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान पेइंग ट्राइब्यूट टू द फादर ऑफ द नेशन श्री अशोक गहलोत ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर चेयरपर्सन RGSC राजीव गांधी स्टडी सर्किट, प्रोफेसर सतीश कुमार इंचार्ज राजस्थान राजस्थान इंचार्ज नेशनल कोऑर्डिनेटर RGSC, डॉक्टर सुभाष गर्ग ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ हाई टेक एजुकेशन एंड आयुर्वेद नेशनल कोऑर्डिनेटर RGSC, प्रोफेसर BM शर्मा जिसका मैंने आपको नाम लिया, जिसको फंड दिया सरकार ने, जिसके थ्रू ये कांग्रेस के संगठन को फंडिंग हो रही है, प्रोफेसर BM शर्मा डायरेक्टर गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड गुड गवर्नेंस, डॉक्टर बनय सिंह स्टेट कोऑर्डिनेटर RGSC जो सुभाष गर्ग के सारे इधर उधर की लेन देन करता है, प्रोफेसर निमाली सिंह कोऑर्डिनेटर RGSC यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये सारे लोग जिनके साथ गहलोत साहब आज गांधी जी के निर्वाण दिवस पर गांधी जी की विचारधारा को गांधीवादी मुख्यमंत्री बढ़ाना चाहते हैं, ये सब लुटेरे हैं। इन्होंने राजस्थान के बच्चों के भविष्य के साथ, 26 लाख बच्चों के साथ के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए, ये सब इसमें हैं जो आदेश मैं आपको बता रहा हूँ, RGSC का जो आदेश है उसमें इनके नाम है और इनको कोऑर्डिनेटर बनाया गया है परीक्षाओं में, और इसमें डॉक्टर पाराशर भी है जिन्होंने यहाँ शिक्षा संकुल में बैठकर पेपर लीक किया। इसलिए मेरी मांग है, ये जो राजीव गांधी सर्किल के सारे भ्रष्ट चेहरे जो इसमें शामिल है, मैं जो आपको बता रहा हूँ, पैम्पलेट आज का कार्ड है, ये पैम्पलेट नहीं, ये कार्ड है, गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के जरिए राजीव गांधी स्टडी सर्किल को धनराशि उपलब्ध कराई गई है तथा राजीव गांधी स्टडी सर्किल के जिम्मेदार पदाधिकारियों द्वारा रीट पेपर लीक किया जा रहा है, किया गया है, इस बात की श्री अशोक गहलोत को जानकारी है, और अगर नहीं है तो ये मुख्यमंत्री जी की मूर्खता है, और अगर अनभिज्ञता है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मीडिया के जरिए कहना चाहता हूँ कि तुरंत सुभाष गर्ग को, अभी कार्यक्रम चल रहा है, बर्खास्त करें, SOG को अलाउ करें कि उनसे पूछताछ की जाए, उनके जेल के सीकचों में डालें, और राजीव गांधी स्टडी सर्किल रेड पेपर के लीक की जांच चलिए, जो मैंने आपको बताया गांधी इंस्टीट्यूट, इसमें जो पैसा करोड़ों का घोटाला हो रहा है, इस सब की जांच CBI से कराई जानी चाहिए, इसी बात के लिए मैंने आपको तकलीफ दी है। सर, ये प्रदीप पाराशर को कल SOG लेकर गई पूछताछ के लिए, अब तक कुछ किसी तरह की कोई जानकारी नहीं आई है, उनको हिरासत में रखा गया है, गिरफ्तार किया गया है, उनकी पूछताछ के आधार पे क्या जारोली तक पहुंची SOG या नहीं पहुंची, किस बात जारोली तक मामला पहुंचा है, जब भी सरकार ने अपनी खाल बचाने के लिए जारोली जी को बर्खास्त किया है, SOG पूछताछ कर रही है, जो मैंने मामला बताया वो सब सामने आ गया, लेकिन मेरे को चिंता इसी बात की है कि कई SOG राजनीतिक दबाव में मामले को दबा नहीं दे, इसलिए बार बार हम इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रकरण CBI को दिया जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि सीकर के एक नेता ने किया है, दो हजार जो प्रश्न आप बता रहे हैं, क्या कांग्रेस के पूरे संगठन के लोगों तक ये पेपर पहुंच गया था? इस हिसाब से तो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया, संगठन पूरे कांग्रेस के लोग इसमें पदाधिकारी हैं, 7 तो हैं इसमें रीजनल कोऑर्डिनेटर जो सब कांग्रेस के जुड़े हैं, 3 हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर और चेयरमैन हैं गहलोत साहब, और ये सब कांग्रेस के पदाधिकारी विचारधारा के लोग हैं, तो इनके थ्रू पेपर गया है, तो पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं के हाथ में पेपर पहुंचा है। इसका मतलब अशोक गहलोत साहब को पता था, इसका सोचें पता था और पता नहीं था, अनभिज्ञता थी तो ये और भी बुरी बात है, जिन जिन इन लोगों ने ये पेपर की जिम्मेदारी दी है कोऑर्डिनेटर के रूप में,
प्रदीप पाराशर सहित, सुभाष गर्ग सहित, इन सबको जेल के शिक्षों में डाले अगर वो पूरी तरह से ईमानदार है। डॉक्टर साहब, पिछले एक साल में 3 सीबीआई जांच की अनुशंसा राज्य सरकार की तरफ से की गई, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री को गंभीर बताया गया, गहलोत सरकार को गंभीर बताया गया, लेकिन 26 लाख लोगों की कहीं ना कहीं कैरियर से जुड़ी हुई जो बात है, एसओजी जिसमें गंभीरता दिखा रही है, बोर्ड तक जिसकी आंख पहुंच गई, जारौली साहब को बर्खास्त कर दिया गया, क्या इस मामले को तुरंत सीबीआई तक नहीं पहुंचाना चाहिए? क्योंकि जिस तरीके से अब तक लग रहा था दाल में काला है, लेकिन जो तथ्य लगातार आप पेश कर रहे हैं या विपक्षी दल पेश कर रहे हैं, उनको देखकर लगता है कि दाल काली, पूरी दाल काली है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैंने आपको कहा था जब 1,22,00,000 रामकृपा ने लिए, 90,00,000 का मैंने बालघाट थाने का मामला बता दिया, 2 करोड़ का एक जगह का और कागज मेरे पास आ रहा वो बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया कि 2,250,000 बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए, और मैंने आपको ये लिस्ट भी दे दी जो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, उनका एक संगठन है जो सब सारे के सारे कोऑर्डिनेटर लगा दिए गए, और खुद जारौली कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में पेपर लीक हुआ है। अब उससे बड़ा तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण तो सत्ताधारी दल का ही हो सकता है, कांग्रेस का ही, कोई भाजपा का तो हो नहीं सकता, किसी दूसरे दल का तो हो नहीं सकता। तो राजनीतिक संरक्षण है तो अपनी खाल बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई जांच दूसरों में तो मुख्यमंत्री जी नहीं है, लेकिन इसमें तो मुख्यमंत्री जी चेयरपर्सन है। इसलिए चेयर मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, ये चेयरपर्सन है इन घोटालों की गैंग के, तो अपन को साफ सुथरा रखने के लिए ये पूरा प्रकरण सीबीआई को दिया जाना चाहिए। अब ये तो आप मीडिया का आप पता करें, पर गहलोत साहब मेरी समझ में इसमें इतने उलझ गए हैं कि उनकी देश भर में बदनामी होगी। उनको जो गांधीवादी कहते थे, संवेदनशील कहते थे, वो संवेदनशून्य हो गए हैं, और गांधी के विचारों में ऐसे करप्ट लोग की कमेटी बना दी है जो गांधी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो गहलोत साहब की प्रतिष्ठा का मामला है, अपनी प्रतिष्ठा साफ सुथरी रहे गहलोत साहब की, इसलिए मैं उनको करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। डॉक्टर साहब, इसका मामला जो है राजस्थान की 200 विधानसभा से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी नेता हैं उनसे जाकर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, दबाव बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही मुख्यमंत्री से या अपने कांग्रेस के बड़े लीडर से इस बात को नहीं कह पा रहे कि सीबीआई की जांच हो जाए या फिर इस तरीके की हो जाए, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? देखो, मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा क्षेत्र के 200 जो विधायक हैं, हर विधानसभा क्षेत्र के उस विधायक को वहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है, और मैं 100% की तो नहीं कह रहा, पर 70-80% से ज़्यादा विधायक अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने लूट मचा रखी है, भारी भ्रष्टाचार फैला रखा है, बदबू फैल रही है राजस्थान में, मनमाफिक थानेदार, तहसीलदार, SDM, डिप्टी, पुलिस वाले लगा रहे हैं, माफिया विकसित हो गए और माफिया के लूट हो रही है। जो लूट में शामिल हो गए विधायक, मैं हर एक विधायक ही नहीं कर रहा, जो लूट में शामिल हो गए अपने विधानसभा क्षेत्र के मुख्यमंत्री बन गए, उनकी हिम्मत नहीं कि मुख्यमंत्री जी के सामने बोल के सीबीआई की मांग कर डालें। वो तो आप पुनी से पूछो साहब, उनका हम बेनीवाल जी की तो एक पार्टी है बड़ी स्टेट लेवल की, बड़ा अच्छा असर है उनका, उनके 3 विधायक है, उन्हीं से पूछा जाए। और ये बात सही है कि पायलट साहब को तो कम से कम बोलना चाहिए, वो बोलते आए हैं, जो सरकार में जब जब भी ऐसी गड़बड़बाजियाँ हुई हैं तो बोलते आए हैं। इसलिए मीडिया के जरिए मैं पायलट साहब से भी कहूँगा कि ये 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनको ये मामला 10 जनपद तक उठाना चाहिए, उनकी पहुंच 10 जनपद तक है, और मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी चाहिए, वो क्यों चुप है मेरी समझ से बाहर। डॉक्टर साहब, ये आज सीएम साहब ने ये भी कहा है कि मैंने 20 साल पहले भी कहा था कि हर गलती कीमत मांगती है, इस मामले में भी बोले हैं, क्या कहने चाहिए? हर गलती क्या मांगती है? कीमत मांगती है। तो कीमत तो अब यह है कि गलती गहलोत साहब चेयरपर्सन है, उनकी पूरी गैंग ने घोटाला किया है, तो गहलोत साहब से गलती हुई है,
तो उनको हट जाना चाहिए, कीमत तो इसी में पूरी होगी वरना पूरी होने वाली नहीं। मैंने दे चुका हूँ, मैं ये दे चुका हूँ कि यूपीएससी में जैसे कैलेंडर जारी होता है वैसे आरपीएससी में भी कैलेंडर जारी हो, और जिस पारदर्शिता से पेपर बनना चाहिए वैसे पेपर बनो, क्योंकि पारदर्शिता नहीं रखी गई। पारदर्शिता का कैसे भंग हुई, जिस फर्म को प्रिंटिंग के लिए सुभाष गर्ग जब अध्यक्ष थे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का, उसी फर्म को वो पेपर प्रिंटिंग के लिए दे दिया, तो गोपनीयता भंग कर, उस फर्म का तो पता ही नहीं लगना चाहिए किसने पेपर प्रिंट किए, गोपनीयता भंग हो रही है। तो इसके लिए कड़े कानून की आवश्यकता है जो मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, और यही इसका इलाज है। वो नहीं होना चाहिए, आरपीएससी हो चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जैसी एजेंसी हो जो राज्य के भविष्य का, देश के भविष्य का निर्माण करने वाले लोग का चयन करती है, उसमें यूपीएससी के पैटर्न पर लोग बैठाए जाने चाहिए। पॉलिटिकल लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। आपने देख लिया पहले सुभाष गर्ग पर आरोप लगे, सिद्ध भी हुए, प्रमाणित भी हुए, अब इन पर लग गए, चूंकि पॉलिटिकल बैन थे, कांग्रेस ने बैठाया था, कांग्रेस की बात सुनी, कांग्रेस जिन जिन लोगों के नाम दिए उनको कोऑर्डिनेटर बना दिया, ऑब्जर्वर बना दिया, और उन्होंने सारे पेपर लीक कर दिए, तो ये नहीं होना चाहिए। सर, भीड़ का मुद्दा अगर इतना बड़ा है तो विपक्ष में आपके अलावा कोई इस तरह से मुद्दे को क्यों नहीं उठाता, बार बार इस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, रविवार को भी आप पत्रकार को बुलाए हुए हैं, इस तरह से बीजेपी में और नहीं उठाया है, प्रदर्शन हुए हैं, और 1 फरवरी को हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ कूच कर रहे हैं अपने सिविल लाइन पे, मुख्यमंत्री जी के भवन का घेराव करेंगे, ऐसा नहीं है, हैं न जागृत हैं, उन्होंने तो कई जगह लोगों को निर्देशित कर दिया है कि इसको बड़े पैमाने पर उठाया जाए। सर, ये बताइए कि अशोक राठौर जैसे जो अधिकारी हैं वो क्या राज्य सरकार के प्रेशर में काम कर रहे हैं इसलिए सीबीआई जांच दे देनी चाहिए? अभी तक तो नहीं कर रहे, जो मेरा हिसाब से अभी तक तो अशोक राठौर जी किसी दबाव में नहीं है, लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये राजीव गांधी स्टडी सर्किल के चेयरपर्सन अशोक गहलोत हैं, अशोक गहलोत को एक बार दूर कर दिया जाए, बाकी के जितने उसे पदाधिकारी हैं उनके नज़दीक के मंत्री सुभाष गर्ग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो जब उनके उनके ऊपर हाथ डालने का नंबर आएगा तो एसओजी पीछे हट सकती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सीबीआई केंद्र से चलती है, ये राज्य पुलिस के अंतर्गत आती है, तो ऐसा नहीं ये खेल चलता रहेगा, राज्य सरकार के लीडरों को सीबीआई को अगर जांच दे दी तो ज़्यादा दिक्कत नहीं, नहीं अगर ऐसे चलती होती सीबीआई तो मदेरणा जी बच जाते, मदेरणा जी का जो प्रकरण था वो सच्चाई तक सीबीआई पहुंची। सर, ये जो आंकड़े हैं 2 या 2500 मैं एसओजी के सामने 2 बार प्रमाण दिया है, और ये जो नाम आ रहे हैं ये लिस्ट भी मैं एसओजी को दे आऊँगा, मैं इसको उजागर नहीं कर सकता क्योंकि दबाव बनेगा, मेरे पास है ये नाम, देंगे एसओजी को दूंगा। क्या सीबीआई और एसओजी को लेकर विरोधाभास है बीजेपी में, क्योंकि कटारिया जी प्रतिपक्ष के नेता कहते हैं कि एसओजी अच्छा काम कर रही है, सीबीआई जांच में देरी लगेगी? अब वो तो कटारिया जी से पूछो, लेकिन सारी बीजेपी, अधिकतर प्रतिपक्ष दल के नेता और शायद हनुमान बेनीवाल जी ने भी सीबीआई की मांग की है। चाय, कॉफी, बिस्कुट क्या है भाई?